नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से करेंगे, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ रह नहीं गया है। दिन दहाड़े एक दुकानदार की जमकर पिटाई की गई। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद मिलते ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रदेश में गुंडे बदमाश माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं, नहीं तो हम उनको उस जगह भेज देंगे जहां वो जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सीएम साहब की इन बातों का अपराधियों के ऊपर कोई भी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तो आलम यह हो गया है कि पुलिस पस्त है और गुंडे मस्त हैं, और ये हमें बताने की जरूरत नहीं बल्कि आप तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दबंगों ने मोबाइल की दुकान पर धावा बोला। रंगदारी ना देने पर दबंगों ने दुकानदार विनोद कुमार की लोहे की रॉड से जमकर पिटाई की। यादव और उनके साथ ललित यादव और उनके साथ चार लोग, और फिर उन्होंने हमारी दुकान से घुस के हमला किया और फिरौती मांग रहे थे, और इसके लिए उन्होंने मेरे भाई को मारा। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो साफ बताता है कि दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं। प्रतापगढ़ से डीबी न्यूज के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक छात्रा को अगवा कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। छात्रा के परिजनों ने उसके लिए बहुत सारे सपने देखे थे और उसके बाद उसको बलिया से पढ़ाई के लिए लखनऊ भेजा गया था। छात्रा की निर्मम हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने घर अपना जन्मदिन मनाने के लिए लखनऊ से बलिया आ रही थी। कल्पना चावला से प्रेरणा लेकर अंतरिक्ष में जाने के निक्की ने कई सपने देखे थे, और इसी के चलते वो बलिया से लखनऊ में अपनी उम्मीदों को पूरा करने में लगी हुई थी। पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की छात्रा निक्की अपना जन्मदिन मनाने बलिया आ रही थी। निक्की बलिया आई तो, पर जन्मदिन की खुशियों की जगह घर में उसकी मौत का मातम मना। अपनी बेटी के जन्मदिन में तोहफे में देने के लिए पिता ने नया कूलर खरीद कर रखा था और पेड़ से आम तोड़कर रखे थे, क्योंकि निक्की को आम बेहद पसंद थे। पर पिता को क्या पता था कि बेटी घर तो आएगी पर कफन में लिपटी उसकी लाश आएगी। पिता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अपराधियों ने उनकी बच्ची की हत्या कर दी। 2:30 बजे के आसपास जो है इंस्पेक्टर साहब का फोन हमारे यहाँ आया, उस व्हाट्सएप पर मैंने जो है एक लड़की की लाश मिली हुई है, मैंने भेजा है, आप देख लीजिए। मैंने अपनी बड़ी लड़की से कहा कि देखो तुम्हारे पर आया है कोई फोटो, निकी का नहीं ना है, तो देखी तो उसके दहाड़ मारकर सब लोग रोने लगे कि वही है। तो मैंने कहा सुजीत कुमार जी से कि वही लड़की है। वहीं निकी की मौत के बाद निकी की बहन काफी आक्रोश में भी नजर आई। उसने कहा कि ऐसे हत्यारों को फांसी दे देनी चाहिए। 4 दिन होगा धरना प्रदर्शन होगा, कैंडल मार्च, 4 दिन सब कुछ होगा, प्रशासन 4 दिन खूब दिखाएगी। 4 दिन बाद फिर किसी लड़की के साथ होगा, फिर प्रशासन गई भाड़ में, सारी सुरक्षा गई भाड़ में, फिर किसी लड़की के साथ होगा, फिर मातम मनेगा, फिर 4 दिन वही होगा, फिर क्या होगा देश का। मेरी बहन थी, मैं उसको जीते जी देख लेती ना। हाँ क्यों, कौन सी पुलिस थी वो, क्या कर रही थी, उसकी बहन बेटी नहीं थी ना। 20 साल की सजा हो रही है, क्यों 20 साल की, मेरी निर्दोष बहन की जान गई है, उसको गोली मार के उसी वक्त मार देना चाहिए। बलिया से डीबी न्यूज के लिए मोमशाद अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अब व्यक्ति चैन की नींद भी नहीं सो सकता, क्योंकि चैन की नींद अगर वो सोया तो ना जाने कब उसके साथ कौन सी घटना घट जाए। जी हाँ, बुलंदशहर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां अपने घर के बाहर सो रहे किसान की
अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। जनपद के खुर्जा के गांव सीकरी में बीती रात घर के बाहर सो रहे किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सुबह जब किसान नहीं उठा तो परिवार वाले किसान को जैसे ही उठाने के लिए पहुंचे उसका शव खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही किसान की हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। बीती रात को जो है ग्राम सीकरी के एक जो है किसान गजेंद्र नाम के व्यक्ति की किसी ने जो है गला रेतकर हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया जो है गजेंद्र की शादी नहीं हुई थी, ये तीन भाई हैं और लगभग 12 बीघे जमीन इसके नाम पे है। उसी की प्रत्येक कड़ी का जो है बारीकी से जांच की जा रही है और घटना का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। बुलंदशहर से डीबी न्यूज के लिए वरुण शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से हर दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि सड़क हादसे में आज एक व्यक्ति की जान गई, दो व्यक्ति की जान गई, तीन व्यक्ति की जान गई। ये खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि इनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसी ही खबर जालौन से आई है जहां पर तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला। इस दौरान दो लोगों की जान चली गई तो वहीं एक युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। जालौन के कदोरा थाना क्षेत्र के कालपी हमीरपुर मार्ग पर जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर पर सवार दोनों युवक धर्मेंद्र और शिवकुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने आरोपी ट्रक चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। एक ट्रक द्वारा एक ट्रैक्टर में मारा गया है, ठोकर मारा गया है, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना और एक व्यक्ति घायल होने की सूचना है। ट्रक ड्राइवर पकड़ लिया गया है और ट्रक भी पकड़ लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। डीबी न्यूज के लिए जालौन से जितेंद्र सोनी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात लखीमपुर खीरी की करेंगे जहां पर पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। करीब 2 घंटे तक पुलिस और अपराधियों के बीच ये मुठभेड़ चली, जिसके बाद पुलिस ने अपराधी को हिरासत में लिया। दरअसल पूरा मामला लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया कला का है। पलिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो बदमाश पलिया के शारदा पुल के नजदीक के गांव श्रीनगर के पास मौजूद हैं, जिसमें एक बदमाश पर 25,000 का इनाम भी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस को देखकर बदमाश घबरा गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। आखिरकार बदमाशों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस दौरान पलिया एसओ मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। वहीं पकड़े गए बदमाश घनश्याम की तलाश में पुलिस काफी समय से जुटी हुई थी। थाना पलिया क्षेत्र में देर रात पुलिस पार्टी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश को एक्सचेंज ऑफ फायर में, जो जिसका नाम घनश्याम है, और ये 25,000 रुपये का इनाम जनपद स्तर पर इसका डिक्लेयर था। 17 मुकदमे सभी गंभीर अपराधों के इसके विरुद्ध दर्ज हैं और थाना फूल विहट और मोहम्मदी से ये वर्तमान में वहाँ वांछित चल रहा था। पुलिस ने घेराबंदी करके जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर रोका, जिस पर हमारे प्रभारी निरीक्षक पलिया को भी चोटें आई हैं। उनका उपचार स्थानीय अस्पताल से वहाँ कराया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफ फायर में पुलिस बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका उपचार कराने के बाद उसका सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार करके जेल रवाना किया जा रहा है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक पिस्टल और 1.315 बोर का तमंचा तथा साथ में एक मोटरसाइकिल मिली है। मोटरसाइकिल की तस्दीक कराई जा रही है कि कहां से चोरी अथवा लूटी गई है, इसका सत्यापन कराया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात हरदोई की करेंगे जहां पर महंगे शौक को पूरा करने के लिए अपराधी अपराध की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने ऐसे गैंग के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इनके पास से 6 4-व्हीलर वाहन तो वहीं एक बाइक भी बरामद की गई है। शातिर चोर गिरोह के ये सदस्य पूर्वी उत्तर प्रदेश से गाड़ियों को चोरी कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेचा करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाड़ियों को चोरी करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेचा करते थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस के पहरे में खड़े ये शातिर चोर भूपेंद्र, उपेंद्र, जितेंद्र और सबीउल हक हैं।
गिरफ्तार शातिर चोर गिरोह के सदस्य गाजियाबाद के आसपास में सबसे ज्यादा चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक इन वाहन चोर गिरोह का अपना ही नेटवर्क था। इनका कबाड़ियों से संपर्क रहता था और कबाड़ी बताते थे कि मार्केट में किस गाड़ी की डिमांड ज्यादा है और फिर ऑन डिमांड ये शातिर चोर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। 7 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें से 6 वाहन 4 पहिया 6 वाहन हैं और एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई है। साथ ही साथ 5,000 मोबाइल इनके साथ और एक टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। 119,600 रुपये नकद इनके पास से बरामद हुए हैं। ये पूरा गैंग पूर्वी उत्तर प्रदेश से गाड़ियों की चोरी करके पश्चिम की तरफ बेचता था और पश्चिम की तरफ से गाड़ियां ले जाकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ले आता था। इसके पहले अन्य वाहन चोरी के मामले अभी तक इनके प्रकाश में नहीं आए हैं। और जहां तक डिमांड पे चोरी करने की बात है, कबाड़ियों से इनका संपर्क रहता था, कबाड़ियों से पूछते थे कि क्या किस गाड़ी की आवश्यकता है, जो गाड़ी जिस मॉडल की गाड़ी बताते थे उस तरह की गाड़ियों पर निशाना लगाते थे, उनको चुराते थे। हरदोई से डीबी न्यूज के लिए आशीष सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर भी हरदोई से है, जहां पर हरदोई में बिजली गुल होने की वजह से आम जनता को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि चोरों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाकर वो लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक ज्वेलर्स के घर में चोरों ने 7 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। इलाके के बावन चुंगी पर कशिश ज्वेलर्स के मालिक अजय गुप्ता के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया और उनके घर में रखी करीब 7 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर चोर फरार हो गए। अजय गुप्ता रात में बिजली गुल होने के बाद छत पर सोने चले गए थे। बिजली आने के बाद जब वो नीचे आए तो घर का दरवाजा खुला पड़ा था। कमरे में देखा तो बैग में रखे गहने गायब थे। 7 लाख के पत्नी के गहने चोर लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस का कहना था कि चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। रात का 12 बजे तक हम मेरी बाइक ऊपर बैठे थे, इन लड़का बैठा था हमारा, 3:20 पे नीचे आए तो रेत खुली पड़ी थी, सब सामान इसमें से गायब था। बता दो, हार और 4 जोड़ी झाले, 5 अंगूठी, 2 चैन, 5 जोड़ी पायले और बच्चों के कुंडल है, टॉप्स है, ये सब छोटा मोटा आइटम, हाय ओम वगैरह सोने के लमसम, मान लीजिए 7 लाख रुपए के आसपास, 7-8 के लमसम। प्रकरण में एक FIR की तहरीर मिली है, उन्होंने बताया है कि उनके घर से जो जेवर रखे थे उसको कुछ लोगों ने चुरा लिया है। उसके आधार पे एक FIR दर्ज की गई है और घटना का नवरण शीघ्र कराया जाएगा और उसका पर्दाफाश किया जाएगा। हरदोई से डीबी न्यूज के लिए आशीष सिंह की रिपोर्ट। पहले इश्क, फिर महबूबा के लिए बड़े बड़े वादे और उसके बाद शादी की तैयारी, उससे पहले लूट की वारदात को अंजाम, ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत है। लव मैरिज करने के लिए एक प्रेमी लुटेरा भी बन गया और उसने लुटेरों का गैंग ज्वाइन कर लिया और फिर बिजली कर्मचारी से 3,50,000 कैश की लूट की घटना को अंजाम दिया। पूरा मामला बागपत का है। SP बागपत जयप्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि 19 जून को खेकड़ा थाना इलाके के घिटोरा गांव के पास बिजली कर्मचारियों को पिस्टल दिखाकर 3,50,000 रुपए लूट लिए गए, साथ ही मशीन मोबाइल फोन भी बदमाश लूट कर ले गए थे। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जांच की तो पता चला कि शेरा गैंग का लीडर है और उसने ही ये पूरी प्लानिंग की थी। इस लूट को अंजाम देने वाले विमल, मनीष, रोहित, मुन्ना और भालू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इनके कब्जे से लूटे गए 1,70,000 रुपए, 3 मोबाइल, बाइक और 3 तमंचे और इसके साथ ही कारतूस भी बरामद किए गए हैं। SP जयप्रकाश ने बताया कि विमल को लव मैरिज करनी थी और वो इस लूट की वारदात में इसीलिए शामिल हुआ ताकि वो लव मैरिज कर पाए। लूट करी थी सेरा के कहने पर, हम सबको इकट्ठा किया था, सेरा के कहने पर हमने ये लूट करी थी और ये लूट 3:30 से 4 के बीच की थी और साहब उसने कहा था, सेरा के हाथ में बैग थे, उसने पैसे दिए थे हम सबको 25,000 रुपये, मुझे 80 दिए थे, मैं बाइक चला रहा था और साहब उसके बाद उसने बैग और पैसे ले गया, वो फरार है साहब। साहब मुझे नई नई शादी करनी थी, वो मतलब पैसे की ज़रूरत थी, मैं उधार पैसे लेने गया था इनसे ही, तो इन्होंने कहा पैसे वैसे ऐसे रहना, काम पर आ जा, पैसे मिल जाएगा। इस विद्युत विभाग के कर्मचारी गाँव में वसूली करने गए थे, लोगों से उनने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करने के बाद जब वो
ट्रोनिका सिटी अपने उपकेंद्र पर जा रहे थे तो रास्ते में उसी दौरान लूट की घटना हो गई और ये सूचना पर थाना खेकड़ा पर लूट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस प्रकरण में जैसे ही सूचना मिली घटनास्थल का निरीक्षण एसओ सीओ एडिशन एसपी और मेरे द्वारा स्वयं किया गया। एडिशन एसपी के नेतृत्व में टीम लगी हुई थी लगातार तभी से और एक एक चीज़ों को वेरीफाई किया जा रहा था। कल इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें अच्छी खासी रिकवरी भी हुई है। जो उन कर्मचारियों से मोबाइल लूटे गए थे मोबाइल बरामद हुए हैं, 1,70,000 रुपया बरामद हुआ है और 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं। बागपत से डीबी न्यूज के लिए विश्वजीत चौधरी की रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात में ड्रग विभाग की टीम ने 2 मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की जिसमें करीब 1,00,000 रुपए की दवाइयां मौके से बरामद की गई हैं। वहीं इसमें एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी शामिल हैं। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव गोंदी सलाई में टीम ने 2 मेडिकल स्टोर पर अलग अलग रेड डाली। जिन स्थानों पर विभाग की टीम ने रेड डाली उनको लेकर कई शिकायतें पिछले काफी समय से मिल रही थी जिनमें इन मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने के बाद कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी। इसी सूचना के बाद मेरठ मंडल से 6 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पता चला कि मेडिकल स्टोर अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे जिन पर बिकने वाली दवाई लोगों को जीवन देने के बजाय उनकी सेहत को खराब करने का काम कर रही थी। कार्रवाई के दौरान 9 अलग अलग दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही करीब 1,00,000 रुपए की दवाइयों के स्टॉक को इस टीम ने सीज कर दिया। टीम ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तो वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। अभी प्रेजेंट में आयुक्त खाद्य सुरक्षा औसत प्रशासन लखनऊ के निर्देशानुसार 5 दिन के रेड का प्रोग्राम था जिसमें ये निर्देश थे कि जितने भी सेल्स की इकाइयाँ हैं जहाँ पे नशीली दवा मिले या बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर हैं इनकी छापेमारी करके उनके कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करना। इसी दौरान आज सूचना सुबह प्राप्त हुई कि गोंदी ग्राम में 2 मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं जिस पर हमारे सहायक आयुक्त मेरठ मंडल ने हम लोगों को निर्देश दिया। सारी टीम इकट्ठी हुई यहाँ से पुलिस फोर्स लेके हम लोग गोंदी पहुँचे। वहाँ 2 मेडिकल स्टोर खुले हुए थे दोनों के पास लाइसेंस नहीं था। हम लोगों ने 2 टीमें बना ली आपस में और दोनों टीम दोनों एक एक मेडिकल स्टोर पर गई वहाँ पर जाँच की। एक मेडिकल स्टोर से संचालक भाग गया दूसरे मेडिकल स्टोर से संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। हापुड़ से डीबी न्यूज के लिए मोहम्मद इंतजार की रिपोर्ट। उधर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराने के प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सिद्धार्थनगर जिले में स्कूल प्रबंधकों ने आनंद विहार से आ रही हमसफर ट्रेन को रोककर जमकर हंगामा किया। 15 मिनट ट्रेन रोककर हंगामा कर रहे लोगों की इस दौरान पुलिस से भी झड़प हुई। इन लोगों का कहना था कि सरकार को हम लोगों को अभी और कुछ समय देना चाहिए ताकि स्कूलों के तय मानक को हम पूरा कर सकें। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने की कार्रवाई को फिलहाल रोका जाना चाहिए। साथ ही स्कूलों की नवीन मान्यता के लिए निर्धारित नियम सरल किए जाएं। राष्ट्रीय स्वरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोस्वामी गौरव भारती का कहना था कि प्रदेश सरकार अभी भी हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग 28 तारीख को संत कबीर नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहुत ही छोटी सी मांग है, हम उत्तर प्रदेश सरकार से बस इतना कह रहे हैं कि भाई जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जिनको आपने आज अमान्य विद्यालय घोषित कर दिया, फर्जी विद्यालय घोषित कर दिया, वो जनता का विद्यालय है। उसमें हमारे समाज के गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं जो 100-150 रुपये में पढ़ते हैं, उसे सरकार बंद कर रही है। तो हम बस सरकार से ये कह रहे हैं कि देश के अन्य राज्यों की तरह हमें भी 3 वर्ष का समय दिया जाए ताकि हम अपनी जो मानक है उसे पूरा कर सकें। इसे बंद कर रही है और तानापुरा तरीके से बंद कर रही है, लोगों को ले जाके जेलों में डाला जा रहा है, उनसे 1,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है, उनके स्कूलों पर उनको बेइज्जत किया जा रहा है, बच्चों को खींच के प्राइमरी स्कूल में भेजा जा रहा है जहां बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं जहर खा लूंगा पर प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। इस अवस्था में हमारी योगी जी से प्रत्येक स्तर पर मांग हुई, हमने धरना प्रदर्शन किया, हमने चक्का जाम किया, पुतला जलाया, हमने सारे सांसद विधायकों को ज्ञापन दिया पर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है और लाठी के बल पर हमें दबाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आज मजबूरन हम इस रेल रोको अभियान को करने के लिए मजबूर हुए कि माननीय
प्रधानमंत्री तक हमारी बात जाए और वो इस देश के गरीब जनता की आवाज़ बनके आज प्रधानमंत्री है, तो इस गरीब जनता के लिए वो इस कार्रवाई पर रोक लगाए, हमें 3 वर्ष का समय दे। सिद्धार्थनगर से डीबी न्यूज के लिए राकेश यादव की रिपोर्ट। उधर एएमयू एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामला दलित रिजर्वेशन को लेकर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब दलितों को आरक्षण दिया जाता है तो एएमयू और दिल्ली की जामिया में उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल सकता। सीएम योगी ने कहा कि जो दल बीजेपी को दलित विरोधी बता रहे हैं वो इन विश्वविद्यालयों में दलितों को आरक्षण नहीं दिलवा पाए। इसके बाद सपा ने इस मामले को लेकर जवाब दिया। कन्नौज में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीजेपी पर दलित विरोधी होने के सवालों के जवाब में ये बात कही तो योगी के सवाल पर एएमयू प्रशासन ने कहा कि हमारे यहाँ केवल इंटरनल और एक्सटर्नल आधार पर आरक्षण है, ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस मामले पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आएगा उसका पालन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की जो भी एडमिशन पॉलिसी है इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले को देख रही है और सुप्रीम कोर्ट ने ये इस मामले की सुनवाई होगी। माइनॉरिटी कैरेक्टर में एडमिशन पॉलिसी भी शामिल है, इसी उस पे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पे डिस्कस कर रही है। जब तक इस पे कोई फैसला नहीं आ जाता तो हम लोग इस पे कुछ नहीं कह सकते। एएमयू देखिए कैसे चलती है, एएमयू एक्ट से चलती है। एक्ट कौन है, 1981 का जो एक्ट है पार्लियामेंट ने दिया, उसमें जो जो बातें लिखी गई हैं वो जाहिर पार्लियामेंट ने जो हमें अधिकार दिए हैं हम उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उसको हम लोग अवहेलना करते हैं। इस पूरा ये जो सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, एडमिशन पॉलिसी क्या है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है, उस पर ही जो फैसला होगा हम लोग उस पर अक्षता उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो रिजर्वेशन क्यों लागू नहीं करती, ये केंद्र को तय करना है। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस मामले को उठाया गया है। देश में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं आज भी जिन पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, तो उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग इस तरह की हरकतें हमेशा करते रहते हैं। दलितों को पूरे देश में आरक्षण दिया जाता है लेकिन एएमयू में नहीं दिया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है जो जिसने देश को न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि पूरे देश को बहुत सारी प्रतिभाएं दी हैं जो आज विभिन्न जगह पर जाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। सच्चर कमेटी के मुताबिक इस देश में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, ये मैं भी समझता हूँ और आप भी देखते हैं, पूरा देश जानता है। तो अगर कोई कहीं भेद है, कहीं मतभेद है, हो सकता है कहीं कोई फॉलो ना हो रहा हो, तो इस देखने का काम UGC का है, देखने का काम HRD मिनिस्ट्री का है, देखने का प्रधानमंत्री जी का है। आज सरकार उनकी है, HRD मिनिस्टर उनके हैं, UGC उनकी है, तो अपना करें जो कुछ करना है। लेकिन इसमें बयान देने का कोई मतलब नहीं, केवल राजनीतिक बातें हैं, इनसे कुछ देश का भला होने वाला नहीं है, ना नौजवानों का कुछ होने वाला है, ना देश का होने वाला है, ना किसी और का। अलीगढ़ से डीबी न्यूज के लिए अभिषेक माथुर की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत में मेनका गांधी ने सौभाग्य योजना के तहत जिले में कराए गए कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए कि जिले के सभी गांवों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि कोई भी परिवार सौभाग्य योजना से वंचित न रह पाए। पीलीभीत से डीबी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीबी न्यूज के साथ। जय हिंद।